तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बबलू कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीजे बबलू राज को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने नाम का डीजे वॉइस टैग कैसे बना सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने नाम का वॉइस टैग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और मेरा जितना भी व्यूअर्स है उन लोगों के पास एफएल स्टूडियो ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, तो आपको पहला तो एफएल स्टूडियो डाउनलोड करना होगा और दूसरा है जो नटरेसर वॉइस है। ठीक है, तो आप नटरेसर वॉइस का नाम सुन के वीडियो छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि मैं इसमें दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नटरेसर वॉइस का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा तो आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और अपना डाटा को ऑन रखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा डाटा जो है ऑन है। ठीक है, तो आपका अपना डाटा ऑन रखना होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह आ गया है डाटा ऑन रहने के कारण। ठीक है, और यहाँ पे ऐड तो शो होगा ही। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसका कुछ इंटरफेस आपको खुल के आ गया है। तो आपको जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको लैंग्वेज पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश ऑलरेडी सेट रहेगा। ठीक है, इंग्लिश इंडियन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके और हिंदी इंडियन करना है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसको नीचे तरफ खींचेंगे तो बहुत सारे लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी इंडियन जो इंडिया है जो, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है, यहाँ पे बैक का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं हिंदी में। तो ये जो है नेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप कर लेना है, जैसे कि मैंने टाइप कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैं कॉपी करके रखा था तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं हिंदी में। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है डीजे बबलू राज, और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन मिल जाएगा ये, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपको सुन लेना है डीजे बबलू राज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बोल रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। सॉरी फ्रेंड्स, ये बार बार इस एप्लीकेशन में ऐड आ जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को। तो आपको क्या करना होगा, ये जो वॉइस टेक है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा MP3 में। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको ध्यान रहे ये जो है आपको हिंदी में ही टाइप करना है, तभी अच्छा बन पाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पे सेव आपको दिख रहा, तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं और इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, तो आप नाम चाहें तो दे सकते हैं, फिलहाल के लिए हम नहीं देंगे। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो ये सेव हो गया है, पर यहाँ पे ऐड शो हो रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेव हो चुका, तो हम यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेव हो गया, उसके बाद हम आपको बैक आ जाना है, हमको बैक आना है। बैक आने के बाद हमको फाइल मैनेजर को ओपन करना है, और फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो हम फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको आपको दिखा देते हैं कि कौन सा फोल्डर में वो आया होगा। तो वहाँ पे आपको नटरेसर वॉइस आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फोल्डर है, तो दोनों को हम चेक करते हैं किसमें है। तो आप देख सकते हैं इसमें है। ठीक है, यहाँ पे जीरो है लेकिन ये इसमें दो है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और ये दोनों हैं, तो हम इसको सुनते हैं कि क्या है कौन सा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी बनाया मजवा था, लिया। तो ये शायद किसी और का है। डीजे बबलू राज। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इसको हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा, यहाँ पे आपको एफ एल एम यूजर फाइल में जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ एल एम यूजर फाइल, तो इस पर क्लिक कर लेना होगा और आप चाहें तो कहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ डीजे लक्ष्मण में डाल देते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमको बैक आ जाना है, पूरा यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको क्या करना होगा हम बताते हैं। तो यहाँ पे आपको FL Studio को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। इस तरह से FL Studio को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरा कुछ प्रोजेक्ट है तो इसको हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्लस के आइकन पे क्लिक कर लिया ऑडियो क्लिप, और यहाँ से वो जो मैंने वॉइस टेक था उसको मैं ले लेता हूँ। तो कौन सा है ये होगा, यहाँ पे सब ऑफ है इसके वजह से सुनाई नहीं दे रहा। तो ये कहाँ गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए हम इसको सुनते हैं। डीजे बबलू राज, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कितना फास्ट बोल रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आगे खींच लेना होगा। आगे खींचने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से इसको सेट करना होगा बराबर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे कि हम 2 नंबर पे इसको सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जो है हम इस तरह से खींच लेते हैं, इतना इस तरह से खींचेंगे। उसके बाद सुनेंगे कि ये कैसा बज रहा है, डीजे बबलू राज, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा बज रहा है, और यहाँ से आप चाहें तो इसका स्पीड चेंज कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो हम चलिए चेंज करके देखते हैं थोड़ा सा। तो हम इस तरह से किए और सुन रहे हैं डीजे बबलू राज, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बोल रहा है। आप जितना चाहें यहाँ से स्पीड इसका चेंज कर सकते हैं। तो हम 2 कर लेते हैं और फिर से सुनते हैं, डीजे बबलू राज, ठीक है। उसके बाद हम पीछे करके देखते हैं माइनस में, तो माइनस में हम सुनते हैं डीजे बबलू राज, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको वॉइस टेक को इसमें लाके आपको सेव कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इफेक्ट्स लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं प्लस के आइकन पे, ठीक है। प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, और सॉरी प्लस के आइकन पे हमको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से थोड़ा हम रिवर्स ले लेते हैं, ठीक है। रिवर्स ले लेते हैं, और इसका जो है ये हम थोड़ा कम कर लेते हैं इतना। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना प्लस के आइकन पे, और यहाँ पे इसको ले लेना है। इसको लेने के बाद थोड़ा इसको इस तरह से कर लेना, उसके बाद सुनना है डीजे बबलू राज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया। उसके बाद आप इसको सेव करके यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।